योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हैं और इस वक्त मैं इकाना स्टेडियम में आपको दिखाऊंगा तस्वीरें किस तरह से यहां जो एरिया है इसमें जो झाड़ियां उगी हुई हैं इकाना स्टेडियम के पीछे का उसको काटने का और साफ करने का काम चल रहा है। चूँकि 50,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, ऐसे में उनके आने के और उनके यहाँ पर गाड़ियों को पार्क करने के पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो झाड़ियाँ उगी हुई हैं उनको लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से साफ कराया जा रहा है और कटिंग की जा रही है। कई विशिष्ट अतिथि आने हैं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनके साथ जो कुल 3 हेलीकॉप्टर आएंगे उसके लिए इकाना स्टेडियम के भीतर 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। वो तीनों हेलीकॉप्टर एक साथ इकाना स्टेडियम में लैंड कर सकें उसके लिए सड़कों का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। चूंकि इकाना स्टेडियम में अभी मीडिया को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि वहाँ 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ सड़कों के जरिए उन हेलीपैड्स को कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे प्रधानमंत्री जब इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण में आएँ तो उनको कार्यक्रम स्थल तक पहुँचने में कोई समस्या ना हो। यहाँ आसपास के पूरे एरिया को साफ किया जा रहा है, इसका सुंदरीकरण किया जा रहा है। एलडीए की ओर से यहाँ पर सड़कों पर और पूरे स्टेडियम के आसपास खूबसूरत फूलों के गमले लगाए जा रहे हैं। चूँकि अलग अलग जिलों से लोग आएंगे तो ऐसे में रोड कनेक्टिविटी बेहतर रही इकाना स्टेडियम की, इसलिए अलग अलग स्थान पर पार्किंग की जा रही है। इकाना स्टेडियम के भीतर भी पार्किंग है, उसके ठीक सामने की ओर एक बड़ा एरिया डेवलप किया गया है जहाँ पर पार्किंग की जा रही है। इसके अलावा अलग अलग कई जगहों पर पार्किंग बनाई जा रही है और अलग अलग दिशाओं से अलग अलग जिलों से जो लोग आएंगे उनको अपनी गाड़ियां पार्क करके इकाना स्टेडियम पहुंचने में कोई समस्या ना हो इसके इंतज़ाम किए जा रहे हैं। एलडी के अधिकारी करुण सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अब तक कितनी पार्किंग बनाई जा चुकी है? ये पुलिस विभाग द्वारा लेआउट तैयार किया गया है, एग्जैक्ट क्वांटिटी उनके पास है। हमारा काम है कि जो उपाध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के कि इस पर जो सुल्तानपुर रोड से कनेक्टिविटी है SCL के पास, पलासियो मॉल के पास, पलासियो मॉल के पीछे जो रोड है उसकी साफ़ सफाई कर दिया है, जिससे पार्किंग की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। कंस्ट्रक्शन किन किन चीज़ों का LDO को दिया गया है? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और अभी जो हमारा मेन काम है इससे पार्किंग की कोई इशू ना हो, समस्या हो, और प्लस सौंदर्यीकरण के लिए फूल पौधे लगाए गए हैं। कितने कितने गमले आसपास लगाए गए होंगे अब तक? मैं देख रहा हूँ काफ़ी सजा रखा आप लोगों ने। 10,000। अच्छा, 10,000। तो ये सारा का सारा प्रबंध LDA का है, और इसके अलावा LDA क्या जिम्मेदारी है? अलग अलग काम दिए गए हैं, लेकिन अभी मुझे जो काम दिया गया है वो सौंदर्यीकरण का, उद्यान का, और इसकी पार्किंग की कोई इशू ना हो इसके लिए इसकी साफ़ सफाई। 10,000 गमले लगाए जा रहे हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए। चूँकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, गृहमंत्री अमित शाह आएंगे, केंद्र के कई बड़े नेता, कई बड़े मंत्री यहाँ पर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, उत्तर प्रदेश के कई विशिष्ट अतिथि, साधु संत, प्रबुद्ध वर्ग यहाँ पर आएगा, तो ऐसे में इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियाँ जोरों पर हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP News, लखनऊ।